अभी ये जो इंसिडेंट हुआ है श्रद्धा और आफताब का, ये तो ऐसा है कि इंसान का दिल दहल जाता है। और ये एक मानसिकता जो जिसकी बिल्कुल ही कोई जो मेंटली इतना डिस्टर्ब्ड हो कि उसकी क्रिमिनल जो उसकी टेंडेंसीज थी, वो इतना मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी कि उसमें कोई किसी तरह का कोई जवाज़ नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई बात नहीं है कि जो हम कह सकें कि जिस तरह से उसने एक जिस तरह से उसने बाबेरिक जिस तरह से उसने बहुत हीनस सुलूक किया है, इसको तो यानी वाकई रोंगटे खड़े करने वाली इंसिडेंट है। और हम तो ये कहेंगे कि इसमें ना मुस्लिम है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना क्रिश्चियन है, ये तो एक इंसान है जो हैवान से बदतर हो गया है। यानी हैवान भी इतना नहीं करते जो इस इंसान जो जो इस इंसान ने किया है। इंसान का डेफिनेशन ही इसने डिफीट कर दिया है, क्योंकि वो इतना मेंटली वो डिस्टर्ब्ड है कि उसको कहीं सोसाइटी में उसके लिए कोई एक इतनी रत्ती भर जगह नहीं हो सकती। और मेरा ख्याल है कि इसको कोई और रंग देना, किसी और किस्म का रंग देना कि हिंदू मुस्लिम है या यह है, ये तो सरासर गलत है। ये तो एक टोटल मेंटल केस जहाँ एक इंसान जो अपना पूरा तवाज़न खो चुका है, एक एक इंसान जिसका दिमाग जो है वो सिर्फ एक शैतानी और इतनी जलील और इतनी करीह हरकत पे उतर आया है, सिर्फ उसका वही उसने उसी वजह से किया। और उसका जितना रद्द अमल है, मेरे ख्याल में कोई भी हॉरर स्टोरी भी अगर हमने पढ़ी है, और बहुत हॉरर स्टोरी है, ये सबको डिफीट कर देती है। और ये ऐसा है कि एक तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। हमारा ये जो सोशल मीडिया पे लोग मिलते हैं और अपनी ज़िंदगी को सोशल मीडिया के इर्द गिर्द लपेटते हैं, तो उस ज़िंदगी कहाँ जा रही है, कहाँ हमारी स्टैंडर्ड्स कहाँ जा रहे हैं, डिग्निटी कहाँ जा रही है, इंसानियत कहाँ जा रही है। और हमें अपने बच्चों को किस तरह से, अपने अगले जेनरेशन्स को हमको क्या सबक देना चाहिए, ये तो ऐसा तो न कभी कहा सुना है और न कहीं हमने पढ़ा। इतनी बात कह के मैं और कुछ नहीं कह सकती।